एक बैग, दो बैग, तीन बैग और यहाँ ये चार बैग, वो शॉपर रखे हुए हैं। ये सारा स्पेशल लोगों के लिए, तो अच्छी और एक ही चीज़ लेनी चाहिए ना। तो ये एक अशलीना का है, अंचरा अशलीना। एक भैंस है ना। स्वीट पोटैटो और ये पोटैटो, तीन मैंने आलू लिए हैं और चार शकरकंदी लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हम लोग घर आ गए हैं और घर इतना फैला हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को घर कितना फैला हुआ है। सारा सामान पूरे लाउंज में, हर जगह सामान ही सामान भरा हुआ है। और ये टॉयज अंशरा ने वहीं से ही परचेस किए थे, जहाँ भी जाती हैं बस इन्हें तो टॉयज ही चाहिए होते हैं। अच्छा, लीना ने भी परचेस किया, वहाँ से सिलाई मशीन ली है छोटी सी, तो वो भी दिखा देंगे बच्चे, अगर बच्चों के हाथ में आई तो। अभी ये किचन में रखते हैं, किचन भी पूरा फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है। तो बाकी का व्लॉग जो है मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ। मोहम्मद अरान रो रहे हैं, मैं अरान को लेके आ जाऊँ नीचे से। कपड़ों की हालत देख सकते हैं आप लोग। ये बैग, ये एक बैग, दो बैग, तीन बैग और यहाँ ये चार बैग, वो शॉपर रखे हुए हैं। ये सारा जो है सामान है मेरा, ये शॉपर हैं, वहाँ ये सामान है। आप लोग पूरा घर का नक्शा देख सकते हैं, फैला पाए है और ये सारा समेटना है। कितना सारा काम पड़ा है, इसको मैं कैसे समेटूं? कहीं भी जाओ वहाँ से आकर इतना ही फैलावा हो जाता है और समेटना इतना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समेटती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। 6 and a half hours later. बस ये दो शॉपर रह गए हैं जो मम्मा के पहुँचाने हैं, उनका सामान है। बाकी सारी मैंने सफाई कर दी है, किचन में पूरा समेट लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से भी सब समेट लिया है, रूम भी सारा क्लीन हो गया। ये दो शॉपर हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं लाई थी, और ये कुछ सामान है, गिफ्ट्स वगैरह हैं जो मैं अपने लिए लाई हूँ और देने का एक कोई देना है किसी की, ज़्यादा को नहीं। और ये भी जो हैं बच्चों की चीज़ें लेकर आई थी वहाँ से, मैं ऐरानी चीज़ें हैं, ज़्यादा सामान मैं लाई नहीं हूँ वहाँ से, बस ये बच्चों के लिए लेकर आई थी। और ये गिफ्ट भी देना था, काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे ये वहाँ पर, तो दो ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए, बस स्पेशल लोगों के लिए, तो अच्छी और एक ही चीज़ लेनी चाहिए ना। तो ये एक अशलीना का है, अंचरा अशलीना और अंचरा का है, और एक ही गिफ्ट देने के लिए लिया है। और क्या है, और एक ये लिया है, बच्चों ने ही लिया है अपने लिए। मैं तो खैर खाती नहीं इस तरह चॉकलेट चीज़ें। और ये बिस्किट लिए, वहाँ ज़्यादातर जो है ऐरानी चीज़ें मिल रही थी, तो ये भी ऐरानी है, ये भी ऐरानी है और ये भी ऐरानी है। चॉकलेट्स, टॉफियाँ हैं, और जो ये है ये इमली है, इमली है। और जो ये बने ना, ये सब फ्लेवर में है इमली, काफ़ी महंगी है भाई वहाँ तो। मतलब वहाँ से चीज़ें परचेस करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम सऊदीया से ले रहे हैं। सऊदीया में भी कॉफ़ी वगैरह जो है महंगी हैं। और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई, ये जेली है, बहुत ज़बरदस्त। बस ये सामान लिया है मैंने और कुछ भी नहीं है। और ये तो, ये इतनी सी, ये 100 रुपीज़ की है इतनी सी। ये चॉकलेट है स्टोन वाली, और ये केक है, केक तो खैर बच्चे रास्ते में खाते हुए ही आए हैं, पता नहीं क्या नाम है, कप बाइट। तो ये सामान लिया है मैंने बच्चों के खाने का और गिफ्ट देने का। तो बस अभी चलते हैं, मम्मा का सामान देकर आ जाती हूँ मैं अपना तो समेट चुकी हूँ सारा, तो मम्मा की चीज़ें मम्मा को दे के आते हैं। तो चलें, बाकी का व्लॉग फिर वहीं पर ही बनाते हैं। 6 and a half hours later. पहले तो ये देखें, आज मैं बनाऊंगी
शकरकंदी, स्वीट पोटैटो और ये पोटैटो, तीन मैंने आलू लिए हैं और चार शकरकंदी लिए हैं। इनको मैं रोस्ट करूँगी। और यहाँ पर मैं जो है खाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में क्या बना रही हूँ मैं आज, बैंगन आलू। खाने में बैंगन आलू बन रहा है। और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, जो कि गैस नहीं आ रही है तो सिलेंडर पे बन रहा है। बस ऐसा ही है, अब जब तक सर्दियां हैं तो गैस इसी तरीके से परेशान करती रहेगी। बाकी तो ये हरा मसाला है, धनिया है, कड़ी पत्ता है, पुदीना है, हरी मिर्च है, ये सब है। तो पहले मैं फ्रेंच फ्राइज का कर लेती हूँ। और जब तक फ्रेंच फ्राइज पक रहे हैं और मैं सब्ज़ी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब ये सिलेंडर पे तो चूल्हा एक ही है, यहाँ पे तो फिर भी पांच हैं, अलग अलग बना लेती हूँ। अब यहाँ पे एक है तो पहले फ्रेंच फ्राइज करके फिर सालन बनाएंगे, सालन के बाद फिर हम उसको रोस्ट पे रख देंगे शकरकंदी को। A few inches later. एक भैंस है ना, भैंस है दोनों, एक गाय है, गाय भैंस की जोड़ी। अल्तमश की चोट लग गई पांव पे, दिखाना अल्तमश, टेबल पे रख दिया पाँव। अल्तमश को ठोकर लग गई और पैर कितना गंदा हो रहा है। भाई कह रहे मैं बॉल की इतनी तेज गेंद मार रहा था, मैं मार रहा था ना, जमीन कहेंगे भाई कहेंगे पूरा समझ लेंगे। हाँ तो यही होता है, फुटबॉल खेल रहे होंगे ना। नीचे क्यों आपके सॉक्स का है, नीचे फर्श पे क्यों बैठी हुई हो, ऊपर होके बैठो आप। मोहम्मद रान की स्लीपर नहीं मिल रही है, लाए मैं मोहम्मद रान की स्लीपर ढूंढ लूं, कहाँ है। अरान को ना उल्टी सीधी चीज़ नहीं देना कोई सी भी खाने के लिए, वरना फिर अरान को ना मोशन हो जाते हैं और पेट में दर्द शुरू हो जाता है अरान के।